नमस्कार। भारत में रेलवे द्वारा विकलांगजनों को फोटो आईडी कार्ड जारी किए जाते हैं। इस फोटो आईडी कार्ड की मदद से आप ऑनलाइन टिकट बुक करते समय विकलांगजनों को मिलने वाली छूट प्राप्त कर सकते हैं। कुछ वर्ष पहले तक रेलवे विकलांगजनों को केवल कंसेशन सर्टिफिकेट या छूट प्रमाण पत्र जारी करती थी। इस सर्टिफिकेट को दिखाकर आप बुकिंग विंडो पर रियायती दरों पर टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन यह सर्टिफिकेट ऑनलाइन बुकिंग के लिए प्रयोग नहीं हो सकता। यही कारण है कि ऑनलाइन बुकिंग के समय विकलांगजनों को रियायती दरों पर टिकट उपलब्ध कराने के लिए अब रेलवे फोटो आईडी कार्ड जारी करती है। फोटो आईडी कार्ड के लिए रेलवे ने विकलांगजनों को चार श्रेणियों में बांटा है। एक, वे लोग जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत है और वे बिना किसी सहायक के यात्रा नहीं कर सकते। दो, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति जिन्हें यात्रा के समय सहायक की आवश्यकता होती है। तीन, पूरी तरह से दृष्टि बाधित व्यक्ति। चार, पूरी तरह से मूक बधिर व्यक्ति। इसके अलावा कुछ बीमारियों से प्रभावित मरीजों को भी फोटो आईडी कार्ड जारी किए जाते हैं। इनमें शामिल हैं कैंसर के मरीज, दिल की बीमारियों के मरीज, कुष्ठ रोगी, थैलेसीमिया मेजर के मरीज, टीबी के मरीज, किडनी की बीमारियों के मरीज, हीमोफीलिया के मरीज, एप्लास्टिक अनीमिया के मरीज और सिकल सेल अनीमिया के मरीज। फोटो आईडी कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वे इस प्रकार हैं। एक, सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर सीनियर डीसीएम के नाम आवेदन करते हुए एक पत्र। दो, रेलवे द्वारा जारी कंसेशन सर्टिफिकेट। तीन, फोटो पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड या वोटर आईडी। चार, जन्म प्रमाण पत्र। पांच, घर के पते का प्रमाण पत्र। छह, दो पासपोर्ट साइज रंगीन तस्वीरें। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड फोटोकॉपियां। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर एक लिफाफे में डालें और इसे अपने नजदीकी डीआरएम ऑफिस यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर्स ऑफिस को भेज दें। लिफाफे के ऊपर पता लिखते समय इसे सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर सीनियर डीसीएम को संबोधित करें। लिफाफे के ऊपर साफ साफ लिखें, एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ रेलवे आइडेंटिटी कार्ड फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पर्संस फॉर टिकटिंग। लिफाफे को अच्छी तरह सील कर डाक से भेज दें अथवा डीआरएम ऑफिस में सीधे जमा करा दें। आपका आवेदन मिलने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच एक कमर्शियल इंस्पेक्टर द्वारा की जाएगी और सारी जानकारी सही पाए जाने के बाद फोटो आईडी कार्ड जारी कर दिया जाएगा। कार्ड जारी होने के बाद आपको फोन द्वारा बताया जाएगा कि आप किस दिन आकर अपना कार्ड ले सकते हैं। यदि आवेदनकर्ता डीआरएम ऑफिस जाकर कार्ड लेने की स्थिति में नहीं है तो किसी प्रतिनिधि को भी कार्ड लेने के लिए भेजा जा सकता है। आवेदनकर्ता अपने प्रतिनिधि को एक अथॉरिटी लेटर अवश्य दें। इस अथॉरिटी लेटर को दिखाकर प्रतिनिधि कार्ड ले सकता है। वर्तमान में रेलवे फोटो आईडी 5 वर्ष के लिए वैध रहता है। इसके बाद
आपको फिर से यही प्रक्रिया अपनाते हुए नए कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। यदि आपका रेलवे फोटो आईडी कार्ड खो जाता है तो आपको सबसे पहले इस बारे में एक एफआईआर करनी होगी और एफआईआर की एक कॉपी के साथ अन्य सभी डॉक्यूमेंट्स साथ लगाते हुए नए कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। आशा है कि इस वीडियो से आपके प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि विकलांगता मुद्दों से जुड़े हमारे उपयोगी वीडियोस आपको आसानी से मिलते रहें। धन्यवाद।